नमस्कार, सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक रिचार्ज पोर्टल के बारे में। जैसे मैं आप लोगों की पता है कि अगर आप लोग खुद का या अपने फैमिली में किसी भी मेंबर का या अपने टोले महल्ला में किसी का अगर आप लोग किसी भी एप्लीकेशन का यूज करके अगर आप लोग किसी का रिचार्ज करते हैं तो उसमें नहीं आप लोग को कैशबैक देखने को मिलता है, नहीं आप लोग को कमीशन जो है आप लोग को देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा रिचार्ज पोर्टल के बारे में मैं आप लोगों की बताने वाला हूँ जहाँ से आप लोग रिचार्ज करके किसी भी अपने फैमिली मेंबर में या अपना खुद का या अपने टोले महल्ला में किसी का आप लोग रिचार्ज करके आप घर बैठे अच्छा खासा जो है आप लोग इनकम कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों की पता है कि 200 300 400 के ऊपर में ही रिचार्ज होता है। जो भी मैं आप लोगों की रिचार्ज पोर्टल के बारे में मैं बताने वाला हूँ जहाँ पर आप लोगों की एक फिक्स जो है आप लोगों को कमीशन देखने को मिलेगा कि किस किस रिचार्ज पर कितने कितने के रिचार्ज करने पर कितने परसेंट जो है आप लोगों की कमीशन मिलेगा। इस रिचार्ज पोर्टल से अगर आप लोग अपना खुद का या अपने फैमिली मेंबर में किसी का या अपने टोले महल्ला में अगर आप लोग किसी का रिचार्ज करते हैं तो आप लोग का जो भी यहाँ पर 3-4% जो है आप लोग को कमीशन मिलेगा। फिर उस कमीशन से आप लोग एक दूसरे का रिचार्ज करके आप लोग घर बैठे अच्छा खासा का इनकम जो है आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोगों की कहाँ से और कैसे किस प्रकार से रिचार्ज करना है, किस किस रिचार्ज पर और कितने कितने के रिचार्ज करने पर कितने परसेंट जो है आप लोगों की कमीशन मिलेगा और कहां से और कैसे आप लोगों की यूजर आईडी एवं पासवर्ड लेना है, ये स्टेप बाय स्टेप जो इस वीडियो में डिटेल में विस्तार से मैं बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुँच सके। और अभी तक आप लोग सरकारी योजना से नहीं जुड़े तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल बेल घंटी आ जाएगा उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जैसे सरकार की तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे, आप लोग जान सके हम सरकारी योजना का लाभ उठा सके। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अपने फोन में कोई सा ब्राउजर को ओपन कर लेना है, सर्च टाइप में लिखना है ग्लोबल रिचार्ज जो है आप लोगों की लिखकर सर्च कर देना है इस प्रकार से। अब जैसे लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ग्लोबल रिचार्ज, इस पर जो आप लोग को क्लिक करना है और इसका जो है आप लोग को यहाँ पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका इंस्टॉल कर लिया हूँ। तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन दिख रहा है तो मैं यहाँ पर आप लोग ओपन करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आपको जो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, आप चाहे तो यहाँ पर स्किप कर सकते हैं या आप चाहे तो नेक्स्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूँ। आप लोग जो यहाँ पर पहली बार आए तो आपके पास नहीं यूजर नेम होगा नहीं पासवर्ड होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर न्यू यूजर साइनअप का ऑप्शन दिख रहा है आपको जो इस पर क्लिक कर देना है। आपको सबसे पहले इस बॉक्स में नाम डालना है, फुल नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है, उसके बाद यूजर नेम डालना है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। यूजर नेम जो है अपना मन पसंद से कोई सा एक यूजर नेम जो है बना सकते हैं, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका मोबाइल नंबर पर पासवर्ड भेज दिया जाएगा, आपको जो यहाँ पर यूजर आईडी देखने को मिल जाएगा, उसके बाद जो यहाँ पर जो भी आप लोग का पासवर्ड होगा यहाँ पर आप लोग को पासवर्ड जो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा क्योंकि जो यहाँ पर मैसेज के थ्रू भेज दिया जाता है। अब यूजर आईडी और पासवर्ड आने के बाद जो है आप लोग को यूजर आईडी और पासवर्ड को जो है आप लोग को एक्टिव करवाना होगा। तो आप लोग कि एक्टिव कहां से और कैसे करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर जो है वहां पर दो नंबर जो है आप लोगों को कॉन्टेक्ट नंबर देखने को मिल जाएगा, उस पर आप लोगों को कॉल करना है और आप लोगों को बोलना है कि यहां पर जो है यूजर आईडी एवं पासवर्ड को जो है एक्टिव करवाना है। एक्टिव करवाने के लिए जो आप लोग को कुछ चार्ज देना होगा। अब आप लोग को कितना चार्ज देना है तो मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोग यहाँ पर आप लोग आईडी चार्ज देख लीजिए। अगर आप लोग रिटेलर आईडी लेते हैं तो यहाँ पर रिटेलर आईडी जो यहाँ पर पहले 99 रुपये में जो है यहाँ पर मिल रहा था लेकिन जो है अभी जो यहाँ पर फिलहाल में 51 रुपये में है आप लोग को मिल जाएगा रिटेलर आईडी। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते तो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी जो है पहले 499 रुपये में मिल रहा था लेकिन अभी फिलहाल में जो यहाँ पर आप लोग को 299 रुपये में जो है मिल जाएगा। अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हैं तो आपको जो है पहले 999 रुपये में मिल रहा था लेकिन अभी फिलहाल में 499 रुपये में आपको मिल जाएगा। और वही यहाँ पर स्टेट हेड आईडी अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आपको 2499 रुपये में जो है यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर बताया गया आप लोग कौन से रिचार्ज कर सकते हैं तो यहाँ पर जो आप लोग सभी रिचार्ज यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप लोग को जो है किस रिचार्ज पर जो है आप लोग को कितने कमीशन मिलेंगे तो यहाँ पर आप लोग जो है समझ लीजिए। सबसे पहले जो यहाँ पर रिटेलर कमीशन, अगर आप लोग रिटेलर आई डी लेते हैं तो आपको रिटेलर आई डी लेने के बाद जो है आप लोग रिचार्ज करेंगे तो आपको कमीशन कितना मिलेगा तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। अगर आप लोग जो यहाँ पर एयरटेल का रिचार्ज करते तो आपको 3% जो है आप लोग को कमीशन मिलेगा रिटेलर आई डी में। अगर आप जियो का रिचार्ज करते तो
5% जो है आप लोग को कमीशन मिल जाएगा। वही VI यानी कि वोडाफोन का अगर आप लोग रिचार्ज करते तो 3% कमीशन मिल जाएगा। वही आप लोग BSNL का रिचार्ज करते तो 4% जो यहाँ पर कमीशन मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो यहाँ पर देख सकते हैं किस रिचार्ज पर जो है कितना आप लोग को कमीशन मिलेगा। ये जो कमीशन है यहाँ पर फिक्स है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर ID लेते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर ID पर अगर आप लोग एयरटेल का रिचार्ज करते तो 3.15% जो है आपको कमीशन मिलेगा। जियो का आप लोग रिचार्ज करते तो 4.15% आपको कमीशन मिलेगा। वोडाफोन का अगर आप लोग रिचार्ज करते तो 3.50% आपको जो है यहाँ पर कमीशन मिलेगा। BSNL का रिचार्ज करते तो 5% कमीशन मिलेगा। इस प्रकार से जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डिश वगैरह का जो यहाँ पर दिया गया है। बात करें अगर आप लोग सुपर डिस्ट्रीब्यूटर ID लेते हैं तो आपको जो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप एयरटेल का रिचार्ज करते तो 3.25% कमीशन मिलेगा। जियो का रिचार्ज करते तो 4.25% कमीशन मिलेगा। वोडाफोन का रिचार्ज करते तो 3.75% कमीशन मिलेगा। अगर आप BSNL का रिचार्ज करते तो 5.50% कमीशन देखने को मिलेगा। वही डिश वगैरह का जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। वही स्टेट हेड ID की बात करें तो यहाँ पर जो है इसका प्राइस ज़्यादा है लेकिन इसमें कमीशन भी ज़्यादा है। जैसे मैं देख सकते हैं एयरटेल का रिचार्ज करेंगे तो 3.55% जो है आप लोग को कमीशन मिलेगा। इसी प्रकार से जो यहाँ पर स्टेट हेड ID का जो यहाँ पर आप लोग कमीशन जो यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप लोग को रिचार्ज किस प्रकार से कहाँ से और कैसे करना है तो जैसे इस एप्लीकेशन का आप लोग ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस जो यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन जो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं देख सकते हैं एड मनी, प्रीपेड, DTH, पोस्ट पैड, इलेक्ट्रिसिटी, डाटा कार्ड, DTH कनेक्शन, सारा का सारा ऑप्शन जो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो आपको रिचार्ज करने के लिए सबसे पहले जो आपको क्या करना है एड मनी पर जो आप लोग को क्लिक करना है। जैसे आप लोग एड मनी पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आप जितना का रिचार्ज करना चाहते हैं उतना जो यहाँ पर एड मनी पर क्लिक करके जो है अपना एड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप लोग एड करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को जो है जैसे मैं देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको मेन बैलेंस में जो यहाँ पर शो कर देगा जितना आप लोग एड करेंगे ये यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ से आप लोग रिचार्ज कर सकते हैं इस प्रकार से। जैसे आप यहाँ पर प्रीपेड रिचार्ज के लिए जो यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारा का सारा ऑप्शन जो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं सारा का सारा शो जो है यहाँ पर कर देगा आप लोग क्लिक करके। और जिस कंपनी का जो यहाँ पर रिचार्ज करना है उस पर आप लोग क्लिक करके यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर उसके बाद यहाँ पर जितना का रिचार्ज करना है यहाँ पर आप लोग डालकर आप चाहे तो यहाँ पर ऑफर चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है रिचार्ज पर क्लिक करके जो अपना रिचार्ज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप लोग यहाँ से आप लोग रिचार्ज करके किसी भी अपने फैमिली मेम्बर में या अपना खुद का या अपने टोले मोहल्ला में किसी का आप लोग रिचार्ज करके आप घर बैठे अच्छा खासा जो है आप लोग इनकम कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोग की पता है कि 200-300-400 के ऊपर में ही रिचार्ज होता है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ और वहाँ पर जो है दो कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया हूँ। वहाँ पर आप लोग को व्हाट्सअप नंबर एवं कॉल नंबर जो यहाँ पर सारा का सारा जो है देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको जो इसका यूजर ID एवं पासवर्ड एक्टिव करवाना है, यूजर ID एवं पासवर्ड लेना है, पोर्टल लेना है तो मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ और वहाँ पर जो है दो कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया हूँ। वहाँ पर आप लोग को व्हाट्सअप नंबर एवं कॉल नंबर जो यहाँ पर सारा का सारा जो है देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं टाइटल पर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पर दो नंबर मिलेगा। आप लोग कॉल करके या व्हाट्सअप पर जो आप लोग बात कर सकते हैं, जो भी पूछताछ करना है, पासवर्ड एक्टिव करवाना है आप वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।